एक वीवर का क्वेश्चन है कि गो ऑन अ स्प्री क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम कब कहें गो ऑन अ स्प्री। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा, कुछ दिनों पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था इंग्रोस्ड इन, जहां मैंने सिखाया था कि इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं कोई इंसान किसी काम में डूबा हुआ है या कोई इंसान किसी काम में खोया हुआ है। तो अगर आपने उस टॉपिक को अच्छा से सीखा तो फिर यह टॉपिक सीखना आपके लिए बेहद आसान है, क्योंकि गो ऑन स्प्री का इस्तेमाल हम वही करते हैं जहां हमें कहना हो कोई इंसान किसी काम में डूबा हुआ है या किसी काम में खोया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान शराब पीना शुरू किया और वो बस शराब में डूब गया, यानी पीता गया। मानो कोई लड़का पढ़ना शुरू किया और फिर वो इस काम में डूब गया यानी खो गया, पढ़ता गया। या कोई आदमी खाने बैठा और वो उसी काम में डूब गया, खाने लगा, बहुत देर तक ये काम करता रहा, खाता रहा। तो यहाँ पर आप कहते हैं कि वह खाने में डूबा हुआ है या वह खाने में खोया हुआ है। तो इसी तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहते हैं गो ऑन स्प्री। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह शराब में डूबा हुआ है या वह शराब में खोया हुआ है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही गोज ऑन अ ड्रिंकिंग स्प्री, यानी वह शराब में खोया हुआ है या वह शराब में डूबा हुआ है। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए ये भी कह सकते हैं ही इज इंग्रोस्ड इन ड्रिंकिंग, यानी वह शराब में डूबा हुआ है। अगर आपको कहना हो वह पढ़ने में डूबा हुआ है या वो पढ़ने में खोया हुआ है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही गोज ऑन अ लर्निंग स्प्री, यानी वह पढ़ने में खोया हुआ है या पढ़ने में डूबा हुआ है। जब से उसने पढ़ना शुरू किया है लगातार उस काम में रम गया है या उस काम में मस्त है। अगर इस तरह के सेंटेंसेस को आप पास्ट में बोलना चाहें तो आप गो की जगह पर बोलेंगे वेंट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप कहते हैं गो या गोज, जबकि पास्ट टेंस में आप कहेंगे वेंट। जैसे वह खाना पकाने में डूबी हुई थी या वह खाना पकाने में खोई हुई थी या वह खाना पकाने में मस्त थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी वेंट ऑन अ कुकिंग स्प्री, यानी वह खाना पकाने में डूबी हुई थी या उस काम में मस्त हो गई थी। अगर आपको कहना हो वह खाने में डूबा हुआ था या वह खाने में मस्त था, वह खाने में खोया हुआ था, ही वेंट ऑन अ ईटिंग स्प्री, यानी वह खाने में मस्त था या डूबा हुआ था या खोया हुआ था। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को इंग्रोस्ड इन से भी बोल सकते हैं। जैसे ही वॉज इंग्रोस्ड इन ईटिंग, यानी वह खाने में मस्त था या डूबा हुआ था या खोया हुआ था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। यहाँ जरा सा आप इसके स्ट्रक्चर पर गौर कर लें। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे गो ऑन अ स्प्री, लेकिन वर्ड स्प्री के पहले आप उस वर्ड को लिखें जो आप बता रहे हैं, जैसे आना जाना खाना पीना, यानी जो इन्फॉर्मेशन देने वाला वर्ड है उसे आप स्प्री के पहले लिखें और वो आईएनजी फॉर्म में लिखा जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।